बहुत अच्छी बात कही आपने। और मैं मीनू जैन जी के पास आता हूँ, और सुबह हमारे एक मित्र ने मुझे ऑफलाइन टॉक के अंदर एक बात कही। कहते हैं कि दक्षिण भारत पे कमेंट्री देखनी हो तो फिर दिनेश वोरा के चैनल पे चले जाओ, बिल्कुल बाकी तो कहीं मिलती नहीं कहीं पर। तो नहीं, मीनू जी के पास आने से पहले 2 मिनट लेना चाहूंगा, मैं दक्षिण भारत पे आ जाता हूँ 2 मिनट के लिए, फिर मैं आई रिवर्ट बैक टू माई क्वेश्चन टू यू। दोस्तों, 20 सीटें हैं केरल के अंदर, चर्चा नहीं होती है, लेकिन मैं कल सुबह न्यूज लॉन्चर और हमारे चैनल पे दोनों पर केरल के ऊपर एक बड़ा एपिसोड है, करीब करीब 15 से 17 मिनट के बीच का विस्तार के साथ एपिसोड है। केरल के दरअसल आप देखेंगे तो 3 भाग हैं, एक नॉर्थ केरला है, एक सेंट्रल केरला है, एक साउथ केरला है। नॉर्थ केरला जो कि येलो कलर में है, सेंट्रल केरला जो ब्राउनिश कलर में है, साउथ केरला जो कि ब्लूश कलर में है। नॉर्थ टोटल 20 सीटों में 5 सीटें नॉर्थ केरला में हैं, 7 सीटें सेंट्रल केरला में हैं और 8 सीटें साउथ केरला में हैं। जो नॉर्थ केरला में सीटें हैं, हालांकि यहाँ डिस्ट्रिक्ट तो 4 दिए हैं, रीजन्स कह सकते हैं, कासरगोड, कन्नूर, कोझिकोड एंड वायनाड। वायनाड से आप सब लोग परिचित है, राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, लेकिन वहां पर इन चारों को छोड़कर एक पांचवी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती है वो है वडाकरा है। तो 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ये लेफ्ट फ्रंट का थोड़ा सा कमजोर है, यहाँ पर यूडीएफ हमेशा से मजबूत रहा है। उसके बाद अगर हम सेंट्रल केरला में आते हैं तो यहाँ पर जो जोन्स हैं, मलप्पुरम, त्रिशूर, त्रिशूर के बहुत चक्कर मोदी जी ने लुंगी पहन के काटे हैं, तिलक तिलक लगा के कि उसके मंदिर में जाके और गुरु वायूर में जाके कुछ थोड़ा बहुत कर लिया जाए, और यहाँ से उनके एक मिस्टर गोपी खड़े हैं, लेकिन वो वहां से जीतने वाले नहीं है। उनका सबसे बड़ा यहाँ पर प्रयास ये होगा कि जमानत बख्श जाए, और कुछ नहीं है। साथ में यहाँ पर पलाकाड़ है, पलाकाड़ के ऊपर भी एक काफी जोर था बीजेपी का, बाद में ड्रॉप किया। यहाँ पर 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये मलप्पुरम, पोन्नई, पलाक्कड़, आलाथूर, तिरूर, त्रिशूर, चलाकुंडी और एर्नाकुलम यानी कि कोचीन। और साउथ में आते हैं कोट्टायम, अलापुझा जिसको एलईपी कहते हैं, जिसको कि मतलब हमारी साइड का वेनिस कहा जाता है, कोलम, तिरुअनंतपुरम, पट्टनम थिट्टा, इडुक्की और साथ में एक मावलिकारा सीट नाम और भी आती है इसके अंदर। एकमात्र रोचक जो यहाँ पर सीट होगी वो त्रिवेंद्रम की सीट है, जहां पर राजीव चंद्रशेखर का शशि थरूर के साथ मुकाबला है। हालांकि बीजेपी और 2 सीटों पर जोर डाल रही है, एक अटिंगल की सीट है, अटिंगल बेसिकली त्रिवेंद्रम की एक्सटेंशन सीट है, और त्रिशूर जो है मध्य केरला के अंदर आता है। अटिंगल और त्रिवेंद्रम दोनों साउथ केरला के अंदर हैं। कुछ चीजें यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय जनता पार्टी का वहां भी एक समझौता है, 16 सीटें खुद लड़ रही है, 4 सीटें जो है एक बीडी जनसेना नाम की एक पार्टी है उनके साथ समझौता किया है, लेकिन असली फाइट वहां पर इसलिए नहीं हो पाती है बीजेपी की, क्योंकि केरल का जो धार्मिक वर्गीकरण है वो कुछ इस किस्म का है, जहाँ 55% हिंदू आबादी है, 25% क्रिश्चियंस हैं और 20% मुस्लिम्स हैं। तो हिंदुओं का पोलराइजेशन कर भी ले तो भी उनके उनको जीत नहीं मिल पाती है। तो सिर्फ एकमात्र 75 सालों में पहली बार खाता खोलना चाहती है बीजेपी कि एक बार वहां पे चले जाएं, लेकिन केरल को जितना मैं जानता हूं, मैंने पढ़ा है, मैंने उसकी सारी जो एक एक सीट का, आज मैंने पूरे जो मेरा कल आएगा सुबह एपिसोड, एक एक सीट का उसके अंदर मैंने बताया कि वहां पर कौन जीतेगा, और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जद्दोजहद सिर्फ ये होने जा रही है कि अल्टीमेटली वो अपनी जमानत कैसे जब्त होने से वहां पर बचाए, और अगर हो सके तो कोई एक सीट जीत ले। जो हमारे गोदी मीडिया है उनके जितने भी सर्वे आए हैं जो दिल्ली से चलते हैं, उन्होंने बीजेपी को 1 सीट और 3 सीट के बीच में यहां पर दी है सो कॉल्ड, लेकिन जो केरल के जो सर्वे आए हैं, मातृभूमि के आए हैं और एक दो और पे मनोरमा के आए हैं, उन्होंने बीजेपी और एनडीए को एक भी सीट नहीं दी है अपने सर्वे के अंदर। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी आपको जानकारी इस मेरी जो मैंने प्रोवाइड की आपको मिली होगी। दर्शक मित्रों, कल सुबह 2 चैनल के ऊपर साइमल्टेनियसली 15 से 17 मिनट का एक विस्तारित पूरा का पूरा आपके सामने जो इसमें एडिशंस आ रहा है उसको आप देखिएगा जरूर, जो केरल के ऊपर इतने विस्तार से आपको जानकारी शायद किसी भी चैनल पर ना मिल सके। वापिस आते हैं मीनू जैन जी के पास। मीनू जैन जी, 26 अप्रैल की वोटिंग है केरल की भी, 20 सीटों की, एक ऐसा स्टेट इंडिया गठबंधन वर्सेस इंडिया गठबंधन है यहाँ पर, मतलब एक ऐसी यूनिक स्टेट है कि इंडिया गठबंधन की लड़ाई जो है इंडिया गठबंधन से है, कोई भी जीते वो फायदा तो यानी कि इंडिया का ही होने वाला है, लेकिन पूरे परिदृश्य पे पहली बार मोदी परेशान है कि क्या मुझे उस सीट पर जाके बैठना पड़ेगा संसद में। ये डर वास्तव में ही अब रियल होता जा रहा है, और वो जो बात मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि एक हंग पार्लियामेंट होने की संभावनाएं बन रही हैं, शायद
अब वो सच होती हुई साबित हो जाए, बशर्ते कि कोई नया रैबिट अपने हैट में से ना निकाले मोदी जी 13 दिनों के गैप में, कुछ वापस से कोई विभत्स धार्मिक एक नैरेटिव लेके ना आ जाए जो कि पूरे चुनाव को पलट दे, या फिर कोई बालाकोट या पुलवामा जैसी कोई घटना ना कर दे जिससे कि फिर से कुछ ऐसी बात हो जहां पर राष्ट्रवाद को उभारा जा सके। वैसे ये पहला चुनाव है जो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे पर नहीं हो रहा है, स्थानीय मुद्दों के ऊपर हो रहा है। वीनु जैन जी अनम्यूट कर लीजिएगा। बैकग्राउंड में आपको कुछ डिस्टरबेंस सुनाई देगा। जी हाँ, कोई देखिए, हाँ देखिए, आपने लिखा सीने में जलन। भाई सीने में जलन तो जब होती है जब एसिडिटी हो जाए बहुत ज्यादा हाई। अब किस कारण से इतनी एसिडिटी हो रही है मोदी जी को, पेट में क्या परेशानी है, कुछ क्या परेशान, अंदर से क्या उथल पुथल है उनके सिस्टम में जिसकी वजह से इतनी ज्यादा एसिडिटी हो रही है कि जलन सीने में हो रही है। तो अब उसके लिए तो भाई आपको जेलुसिल या कुछ एंटासिड लेना पड़ेगा। अब एंटासिड तो जब ही मिलेगा जब विपक्ष देगा, तो और जिसकी की पूरी संभावना दिखाई दे रही है कि जो पहले चरण का फेज जो चुनाव है, आप साउथ इंडिया की बात करें, आपने तो केरल के बारे में काफी डिटेल बता दिया। जिस सर्वे की आप अभी बात कर रहे थे प्रदीप गुप्ता जी का, उसका उन्होंने ट्वीट किया था और उसको बाद में डिलीट करवा दिया गया 2 घंटे में, लेकिन उसका आर्टिकल है जो वो मनी कंट्रोल पे अभी भी मौजूद है, तो मैंने आपको भेजा भी था वो, तो उसमें सारा डिटेल दिया हुआ है। तो केरल की तो वो 20 के 20 सीट दे रहे हैं, केरल में तो कोई सवाल ही नहीं है मोदी जी क्या होता है कि, और बहका भी कहाँ की जनता को रहे हैं, केरल की जनता को, जहाँ जो इनको पैर नहीं रखने दे रही है, हाथ नहीं रखने दे रही है, तो वो वहां की जनता को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये काउबेल्ट की जनता नहीं है केरल की, वहां या तो मार्क्सिस्ट है या फिर कांग्रेस ही है, तो सोचना चाहिए राहुल मोदी जी को। 99% लिटरेसी रेट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स केरल का यूरोप के बराबर है, और वहां के लोग बहुत जागरूक हैं, यानी कि यूपी बिहार 100 साल लगेंगे उन्हें केरल के स्तर तक पहुंचने में देखा जाए तो। जी 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 हाँ बिल्कुल, बट उनको ये, उन्होंने तो सोमालिया से तुलना कर दी थी एक टाइम पे, याद होगा अगर आपको, केरल की जब ये आए थे सत्ता में तो, और वो याद भी है लोगों को, गाय बगाए उसको बोल भी देते हैं कि आपको तो इतना भी ज्ञान नहीं है अपने देश का। तो ये केरल में तो इनकी कोई संभावना किसी तरीके की है ही नहीं। तमिलनाडु में इन्होंने बहुत हाथ पैर मारे हैं, बहुत ज्यादा मोदी जी ने मेरे ख्याल 10 से भी ज्यादा इस चुनाव के दौरान इनके वहां चक्कर लग चुके हैं, सेंगोल स्थापित कर दिया है, तमिल संगम करवा रहे हैं काशी में, इवन रामलला भी साउथ इंडियन शैली में बनवा दिए इन्होंने, जबकि रामलला की शैली जो नॉर्थ इंडिया में है मूर्ति शिल्प वो वैसा बनता नहीं है, लेकिन इन्होंने फिर भी रामलला को दक्षिण के शिल्प में बनवाया खुश करने के लिए, ताकि साउथ की जनता मोदी से खुश हो। लेकिन देखिए साउथ की जनता, मैंने फिर वही बात आ जाती है कि वो काउबेल्ट की जनता नहीं है, वो बहुत पढ़ी लिखी जागरूक सजग जनता है, और वो जानते, उन्होंने असल में पढ़ाई की हुई है, तो उनको पता है कि आप किस क्या आपकी जो ये जो मुखौटा दिखाई दे रहा है उसके पीछे क्या एजेंडा छुपा हुआ है आपका, उनको सब आपका एजेंडा छुपा हुआ जो दिखाई दे रहा है, और वो देख रहे हैं कि नॉर्थ में आप क्या कर रहे हैं, वो अचरज में है कि नॉर्थ वाले चुप कैसे बैठे रहते हैं मोदी जी की इन कामों पे लेके। तो और वहां पे आपको ये तो जरूर हो सकता है कि आपने जब इतने संसाधन झोंक रखे हैं तो आपका कुछ परसेंट वोट बढ़ जाए, लेकिन वहां सीट की अभी भी कोई प्रेडिक्शन नहीं दे रहा है। इवन इनके जो अपने चैनल्स हैं, जो इनके अपने भगवा चैनल्स हैं, वो भी वहां पे मुश्किल बता रहे हैं, वो गोलमटोल भाषा में ऐसी बात करते हैं कि भी उससे ये समझ में आता है कि भी परसेंटेज तो बढ़ सकती है वोट की कुछ, लेकिन सीट आने का कोई सवाल अभी है नहीं। मेरा तो मानना ऐसा है कि जिस तरीके से इन्होंने नॉर्थ के अंदर जिस तरीके से इन्होंने गंदगी फैला रखी है, वो तो साउथ की जनता बड़ी क्लोजली देख रही है। आपने जो सरकारें गिराने का आपका जो उपक्रम है, चुनी हुई सरकारें, आप पैसे दे के करोड़ों रुपयों में, और ईडी की धमकी दे के, बुलडोजर की धमकी दे के, पैगासस की धमकी दे के, जिस तरीके से आप विपक्ष की सरकारें गिरा रहे हैं, चुनी हुई लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकारें गिरा रहे हैं, उसको तमिलनाडु की जनता और पूरे साउथ की जनता बड़ी क्लोजली वॉच कर रही है।
तो आप इस फेयर में आ रहे हैं कि आप उस तरीके से साउथ की जनता का बेवकूफ बना लेंगे जैसा कि आपने नॉर्थ का बनाया। यही हाल और राज्यों में भी है, आप कर्नाटक में देख लीजिए, तेलंगाना में देख लीजिए, बता दीजिए। कर्नाटक में जरूर इनको कुछ, इनकी सीटें कुछ मिल जाएंगी क्योंकि इनका पहले से वहां थोड़ा बहुत अभी अस्तित्व में है ये लोग वहां पे तो। लेकिन तेलंगाना में इनको सीटें मिल जाए इसमें बहुत बहुत गहरी आशंका है कि वहां कोई इनको हाथ भी रखने देगा। तो मोदी जी जो आपने नॉर्थ का बना लिया मुद्दा, वो बेवकूफ वो बहुत है। और देखिए दिनेश जी, कल से लगातार जो चीजें समझ में आ रही है देख के, देखिए राष्ट्रीय मुद्दे है, महंगाई है, आपका बेरोजगारी है सबसे ज्यादा, ओल्ड पेंशन स्कीम है या फौजियों का है, अग्निवीर है, इसके अलावा भी बहुत सारे लोकल मुद्दे हर स्टेट में है। इस बार अमेजिंगली हर स्टेट के में लोकल राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ लोकल मुद्दों पे भी चुनाव हुआ है। आपने जिस बॉबी पवार का जिक्र किया है दिनेश जी, जो एक नया निर्दलीय उत्तराखंड की जमीन पे निर्दलीय खड़ा हुआ और एक धूम मचा रखी उसने, वो बिल्कुल खालिस लोकल मुद्दे के ऊपर खड़ा हुआ है। भर्ती घोटाला जो हुआ है यहाँ पे नौकरियों में और पेपर लीक, इन मुद्दों के ऊपर वो, क्योंकि उसमें लगातार संघर्षरत है 2-3 साल से। तो आप ये देखिए कि लोकल मुद्दे भी इस बार हावी है, आप ऐसा नहीं कह सकते। और हर जगह है, हर स्टेट का अपने, आप ऊपर से ले लीजिए, कश्मीर में लोकल मुद्दा 370 है, पंजाब में किसान आंदोलन है, हरियाणा में किसान आंदोलन है, दिल्ली में वहां के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया है, झारखंड में वहां के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया है, बिहार में आप सरकार गिरा के आप अपनी सरकार बनाने की कोशिश करते हैं और कर भी सफल भी हो जाते हैं, बंगाल में आप दिन रात ईडी की धमकी देते रहते हैं और ये कहते रहते हैं आज गिरा देंगे तुम्हारी सरकार और कल गिरा देंगे। कौन सा राज्य ऐसा है, महाराष्ट्र में आपने गिरा ही दी है सरकार। और नीचे मतलब आप नीचे तक आते चले जाइए, हर राज्य को इन्होंने परेशान करके रखा है। तो वो जनता जो है देख रही है चुपचाप, और आज उसका मौका आया है तो डेफिनेटली जवाब देगी। अब इसमें और दूसरी बात ये हो रही है कि भाई उदासीनता है और चुप्पी है, लोग देखिए चुप्पी उदासीनता वो जो यहाँ पे जो मैंने जो यहाँ जो रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से बीजेपी का मतदाता तो आराम से बैठा है घर के अंदर, उनको लगता है मोदी जी कर ही लेंगे खुद। तो वहां बीजेपी का मतदाता कंपैरेटिवली कम निकला है बहुत बाजार में, क्योंकि वो ही लोग सबसे ज्यादा शोर हो हल्ला हुक्कड़ और ये होता है कि हाँ भाई जुलूस निकालते हैं। तो ये चीजें इस बार हुई नहीं है और नाराज भी है और उनको लगता भी है कि भाई मोदी जी अब डायरेक्ट तो कह नहीं सकते सड़क पे आके, तो उससे बेटर है कि चुपी बैठ जाए। तो ये चीजें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। इसका एनालिसिस तो अभी आप 2-3 फेज और होने दीजिए इलेक्शन के, उसमें और सामने आ जाएंगी चीजें कि हो क्या रहा है ये असल में। इस बार तो कहीं आपको डंडे झंडे कुछ भी कहीं दिखाई नहीं दिया पूरे चुनाव के अंदर। तो मोदी के साथ और मोदी जी जो जिस तरीके के झूठ बोलते हैं, जिस तरीके का नैरेटिव गढ़ते रहते हैं, हर वक्त खुद को हर चीज का विशेषज्ञ बताते हैं, हर बात का विशेषज्ञ बताते हैं। आप देखिए ना वो टेस्ला, एलन मस्क ने आने पे अभी रोक लग गया है, वो आया आ नहीं रहा है, पोस्टपोन हो गई है उसकी विजिट। उसको भी समझ में आ गया है कि भैया नई सरकार से डील करना है मुझे जून के बाद, तो बाद में जाएंगे अपन आराम से, अभी इसके साथ डील करके क्या करना। तो इंटरनेशनल सिग्नल्स भी कोई ऐसा नहीं है कि पक्ष में है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो चल रहा है और बड़े क्लोजली ऑब्जर्व करने वाली चीजें हो रही है। जी